हेलो एवरीवन, इजी कुकिंग विद निधि यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का उत्पम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उसके लिए हमने क्या क्या लिया है, देखिए ये हमने एक प्याज लिया है एंड कैप्सिकम, शिमला मिर्च और टमाटर, ये दही है, ये सूजी है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार है और पानी की अगर नीड होगी तो हम पानी की लेंगे। एक बाउल लिया, उसके अंदर सूजी को ऐड किया, अब दही को इसके अंदर ऐड कर देंगे, हल्का मिलाएंगे। अब थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, पहले सूजी को, दही को और पानी, तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा पानी और डाल देते हैं, ये देखिए आप अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, टमाटर को भी ऐड कर देंगे, मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सी एवरीवन, हमारा जो बैटर है वो ऐसा होना चाहिए उत्पम के लिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तब तक हम तवे को गर्म कर लेते हैं। सी एवरीवन, हमारा जो ये हमने बैटर बना के रखा था, इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तवा भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और पूरे पे फैला लेंगे। अब इसके अंदर हमारा जो बैटर तैयार है उसको फैला देंगे। अब इसको हम इसे फैला देंगे। सी एवरीवन, हमने इसमें पलटी लगा दी है। अब इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये वाली साइड हमारी सिक चुकी है, अभी नीचे वाली साइड सिक रही है, ऐसे ही सेकेंगे इसको। ये हमारा जो उत्पम है वो एक सिक चुका है, हमने निकाल लिया है और दूसरा हमने तवे के ऊपर डाल दिया है, इसको भी हम ऐसे ही सेक लेंगे दोनों। देखिए एवरीवन, हमारा जो दूसरा उत्पम है वो भी सिके तैयार है, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है तवे पे। आप भी ऐसे ही बनाना। और आप लोग क्या करते हैं, ओनली नमक ही डालते हैं उत्पम के अंदर, बट मैंने यहाँ मिर्ची भी ऐड करी है इसलिए इसका कलर ऐसा है, वरना वाइट बनता, बट ये मेरा स्टाइल है। आप ट्राई ज़रूर करना और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके जी, बाय बाय।